दोस्तों आज का कंपैरिजन है ओप्पो वर्सेस सैमसंग के बीच में। एक तरफ है सैमसंग का लेटेस्ट लॉन्च सैमसंग M1S, वहीं दूसरी तरफ इसको कंपेयर करेंगे हम ओप्पो का लेटेस्ट लॉन्च ओप्पो A12 से। जानेंगे दोस्तों कौन सा फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है और किस स्मार्टफोन में आपको बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे। कंपेयर करेंगे दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले को, कैमरा को, और साथ ही देखेंगे किस में परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगी। शुरुआत करेंगे डिस्प्ले से और ख़त्म करेंगे इनके फीचर्स पे। तो दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं एक इनका क्विक कंपैरिजन, साथ ही देखेंगे कि किस फ़ोन में आपको ज़्यादा बेहतरीन फीचर देखने को मिलेंगे और किस फ़ोन में आपको एवरेज मॉडरेट फीचर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं जल्दी से क्विक कंपैरिजन। मतलब आपको मत सिखा, चल। दोस्तों शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंपैरिजन के लिए। तो एक तरफ M1S में आपको MediaTek P22 देखने को मिलेगा जो 2 GHz की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है, वहीं दूसरी तरफ आपको MediaTek P35 देखने को मिलेगा ओप्पो A12 में जो 2.3 GHz की फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है। दोनों ही ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। कुल मिला के आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी यहाँ पे ओप्पो A12 में, और आपको क्लॉक स्पीड के ज़्यादा होने की वजह से आपको परफॉर्मेंस में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों बात करें कैमरा की, तो दोनों ही स्मार्टफोन वैसे तो डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आते हैं। बात करें प्राइमरी लेंस की, तो 13 MP का प्राइमरी लेंस दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अपर्चर वैल्यू अलग अलग मिलेगी, एक तरफ मिलेगी 1.8, दूसरी तरफ मिलेगी 2.2। दोनों ही स्मार्टफोन में डेप्थ लेंस मिलेगा 2 MP का, मतलब आप डेप्थ फोटोग्राफी भी कर सकते हो। डिफरेंस आएगा थोड़ा सा सेल्फी कैमरे में, एक तरफ सेल्फी कैमरा मिलेगा आपको 8 MP का सैमसंग में, वहीं दूसरी तरफ 5 MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा ओप्पो A12 में। कैमरा के मामले में यहाँ पे आपको दोस्तों सैमसंग काफ़ी आगे निकलता हुआ दिखाई देगा ओप्पो से। अगर बात करें लो लाइट फोटोग्राफी की, तो अपर्चर वैल्यू की वजह से काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी मिलेगी। दोस्तों बात करें बैटरी और चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको M1S में 4000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ ओप्पो A12 में आपको 4230 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिलेगी, आपको फास्ट चार्जिंग एक भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगी। अब कंपेयर करते हैं दोस्तों डिस्प्ले को, तो सैमसंग M1S में आएगी 6.2 इंच की TFT डिस्प्ले, तो वहीं दूसरी तरफ आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोनों का रेजोल्यूशन मिलेगा आपको HD+ का। वहीं बात की जाए थिकनेस और वेट की, तो थिकनेस आपको मिलेगी 7.8 mm सैमसंग M1S में, और 8.3 mm थिकनेस देखने को मिलेगी आपको ओप्पो A12 में। और बात की जाए वेट की, तो वेट में इतना ज़्यादा डिफरेंस आने वाला है नहीं, क्योंकि एक तरफ वेट मिलेगा आपको 168 ग्राम का, वहीं दूसरी तरफ वेट आपको मिलेगा 165 ग्राम का। तो वेट में इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, उल्टा आपको सैमसंग थोड़ा ज़्यादा स्लिम फ़ोन देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ओप्पो A12। कुल मिला के दोनों ही स्मार्टफोन में डिस्प्ले में इतना कुछ खास है नहीं, HD+ रेजोल्यूशन, वहीं एक तरफ TFT डिस्प्ले और दूसरी तरफ IPS डिस्प्ले। हालांकि एक तरफ सुपर एमोलेड होती तो काफ़ी फर्क आ सकता था, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन भी बराबर है। रुको जरा, सबर करो। बात करें दोस्तों एडिशनल फीचर्स की, कि क्या कुछ खास दोनों फ़ोनों में आपको एडिशनल देखने को मिलेगा। तो दोनों स्मार्टफोन आते हैं रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में, वहीं एक तरफ सैमसंग में मिलेगा आपको एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरी तरफ अगर बात करें ओप्पो A12 की, तो यहाँ पे अभी भी आपको एंड्रॉयड 9 देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों ये एक नया फ़ोन है, फिर भी आपको एंड्रॉयड 9 देखने को मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है नहीं। बात की जाए और एडिशनल फीचर की, तो सैमसंग में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें मिल जाएगी, जैसे आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस ले सकते हो आप सैमसंग M1S में। थिएटर लाइक आपको साउंड देखने को मिलेगा सैमसंग M1S में। बात की जाए एक और ख़ास फीचर की, तो इसमें आपको सैमसंग हेल्थ का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये बेसिकली क्या है, आपका डेली रूटीन ट्रैक करता है, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, आप पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो सैमसंग हेल्थ में। स्टेप भी ये काउंट करता है, तो वीकली और मंथली दोनों ही रिपोर्ट आप देख सकते हो सैमसंग हेल्थ में। प्राइसिंग दोस्तों दोनों ही फ़ोनों की काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लगभग 10,000 रुपये की रेंज में दोनों स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो किस फ़ोन के फीचर आपको ज़्यादा पसंद है और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेहतर हो सकता है, आप कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।